हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी बॉय राइडर्स। हाँ तो आज हम घूमते घूमते एक जगह में आली, जे जगह का नाम है के रायबाड़ी चा बागान, जेकर में हम देखे पाली एगो बड़े गो मंदिर, जे मंदिर के बारे में हम तो इनके बता दो, ठीक है सुनते रहा। इतना ऊंचा मंदिर आज तक कहाँ देखल नहीं जा है, हमें पूरा डुअर्स में। मंदिर तो मोटा मोटी बहुत लंबा है, कितना स्क्वायर फीट है सके बता ही नहीं पारू, लेकिन बहुत लंबा बहुत बड़का है। आज तक कर मोर देखल में सबसे ज़्यादा लंबा, सबसे ज़्यादा लंबा बड़का जगह में ये मंदिर तो है रायबाड़ी। रायबाड़ी कर रायबाड़ी बागान में ये मंदिर तो है, शिव मंदिर है के। तो मैं तुहिन के इस मंदिर के बारे में अच्छा से सुना चाहो, इस मंदिर के बारे में जाना चाहो, इस मंदिर के अंदर का है ठीक है। मैं तुहिन के देखा तो ये वीडियो में मोर साथ बनल रहा, मैं तुहिन के बहुत कुछ अखन देखाबो जानाबो सुनाबो ठीक है। कितना लिया पंडित जी इसका? 1000 रुपये करके ना, 2500 रुपये पड़ा। खाना भी तो है उसका, खाना बहुत महंगा महंगा खाने का पैसा ये के। रायबाड़ी बागान कर रैयाबाड़ी बागान कर मंदिर जे है तो ये बता लो सबसे बड़का सबसे ऊंचा, आज तक कहो बात नहीं हुई है, ना ही कोनो यूट्यूब में है ना कोनो फेसबुक में है। बहुत जगह मंदिर बारे में बता ले, लेकिन हम ही कर यहाँ कर रैयाबाड़ी कर बागान, रैयाबाड़ी बागान कर जो मंदिर है वो मंदिर के बारे में कोनो उल्लेख करना है। अच्छा ये मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये मंदिर तो शिव जी का मंदिर है जी, विशेषकर से शंकर जी का मंदिर है, और यहाँ पे और भी देवी देवता लोग है जी, मूर्ति अलग अलग है जी, यहाँ पे पंडित जी का घर है। ये मंदिर स्पेशली कौन भगवान के लिए है? शिव जी का, शिव जी का मंदिर है जी। और ये मंदिर को गांव, ये जो रियाबाड़ी गांव है जी, यहीं का पूर्वज लोग बनाया है बहुत। अच्छा। पहले इस मंदिर का लगभग अभी साल हो गया, 32 अराउंड 40 साल आप चलिए 40-32 साल हो गया है ना, नहीं एवरेज नहीं 32 साल के हिसाब से है, तो एवरेज आप धर लीजिए उस हिसाब से है जी, और बहुत पहले से चल रहा है। ये मंदिर आपका कितना बड़ा है जग एरिया? तो एरिया आप देखिए, इसको रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं किया गया, लेकिन अगर बीघा में देखा जाए तो 3 से 4 बीघा के अंडर में, 3 से 4 बीघा का एरिया में है आता है ये। अच्छा, स्क्वायर फुट के हिसाब से अलग है जी, 3 से 4 बीघा के अंडर में बहुत बड़ा कंपाउंड जी जी जी। अगर जैसे ही आप गाय देख रहे हैं जी जी, गाय गौशाला का है जी, अगर ऐसा इसमें 1000 गाय भी हो जी, 1000 गाय संभाल सकते हैं। अच्छा जी, ये मंदिर कितना ऊंचा है? ऊंचाई इसका अगर फीट में पूछ रहे हैं, मीटर में पूछिएगा तो 100 फीट से ऊपर का है। 100 फीट से ऊपर है जी, हल्का दिखा देना। हाँ, बाइक लेके आ रहे ऊपर का है देखिए। हाँ, भीतर दिखाई दिया जी। हाँ, तो इन सब के देख ला, इन मंदिर के बारे में सुन ला, कितना बड़का है पता नहीं काले, लेकिन आज तक कोनो ना कोनो यूट्यूब चैनल में ना ही कोनो फेसबुक चैनल में कहीं भी इकर मंदिर के बारे में कोनो उल्लेख नहीं हुई है। बहुत बड़का मंदिर है के, आज मैं सुन पालो यहाँ आलो तो ये मंदिर के बारे में एक तो वीडियो बना लो, तो इनके मैं देखा तो यहाँ में एक तो आगे एक तो गौशाला है कब बताते हैं। आज हम लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं तो जी जी, तो यहाँ पे देखा और सुना कि बहुत बड़ा मंदिर है, तो एक वीडियो बना लेते हैं जी। ये मंदिर बहुत दिन से है जी, अभी वीडियो चल ही रहा है। हाँ, मंदिर बहुत दिन से है और यहाँ लगभग अभी तक बहुत सारे पंडित जी आए गए जी, लेकिन हम लोग थोड़ा दिन से रह गए हैं जी। यहाँ पे ये गौशाला का दोनों गाय है, एक और बच्चा है अभी ला देंगे। हाँ, बाहर है। हाँ, यही गौशाला है, गौशाला में कम गाय होने के कारण है कि अभी आदमी नहीं है जी गाय देखने के लिए, तो यही है गौशाला है। यहाँ बहुत बड़का है एरिया ठो, लेकिन दुई ठो ही गाय है, देखे रहे कल आदमी ना खेन, तो यहाँ दुई ठो ही आदमी आए हैं, जे दुई ठो गोरु है जे के आदमी देखे ना, इका से आगे कुछ ज़्यादा ही आदमी रहबेन, मतलब देखे सुनने कला तो और भी ज़्यादा गाय रही। मंदिर का नाम से ही गौशाला है। हम लोग तो पंडिताई वर्ग से है, तो हम लोग जी 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 ज़्यादा नहीं देख पाएंगे ना जी, और भी बहुत सारा काम होता है, अपना भी गाय है। हाँ हाँ, इस कारण से, लेकिन ये दो गाय है इसको हम लोग देख देते हैं,
और गाय आएगी तो, क्योंकि ये सब दान की गाय है तो जी जी वो दान का गाय है, ये भी दान का गाय है, नहीं ये खरीदा गया तो उसी का जो बच्चा हुआ था जी, बछड़ों बेच करके और उसका दूध का पैसा का ये अच्छा। खरीदाया है, वो हम ही लोग दान किए थे जब इस गौशाला का उद्घाटन हुआ था 2016 में, तो इस गाय बच्चे में रूप में इसको दान किया गया था जी, तो ये अभी गाय बन गई, बच्चे में दान किया था। हाँ ये बहुत छोटी थी उस समय 2016 में, 2016 में दान किया गया था वो ये मंदिर में, 2016 में ये दान किया गया था, और अभी 2022 में, अभी 2022 यही है गाय इस मंदिर में, इसका रहा हुआ 5 साल से ज्यादा हो चुका है। रैया बाड़ी टी गार्डन जी, आप लोग जो अभी देखा वो जो बोल रहे थे उसका बछड़ा है ये, ठीक है। तो हम इन यहाँ का देखो बुजुर्ग से सुनीला ये मंदिर के बारे में, ठीक है। रैया बाड़ी टी गार्डन का एक मंदिर जो आज तक नहीं कहीं पे दिखाया गया, नहीं सुनाया गया है, हम लगा जाए हैं तो यहाँ पे वीडियो बना दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हाइट 75-80, 75-80 हाइट। हाँ, कितना साल का रेखे? 88 साल में बना है। 22 साल 88 साल में बना था, 1988 में, 1988 में बने मंदिर तो जी। यहाँ का पुरोहित है, पंडित है, इनका नाम है, क्या नाम है? नगेंद्र दुब्बे। हाँ नगेंद्र दुब्बे, नगेंद्र दुब्बे यहाँ का देख रेख पूजा पाठ जो भी काम होता है ये लोग ही करते हैं। नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मोदी नहीं खोना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ का आज तक का वीडियो यही तक देखिए, थैंक यू थैंक यू।